हैदराबाद के गोशा महल से बीजेपी विधायक राजा सिंह के दुर्घटना में घायल होने की खबर पूरे हैदराबाद सहित देश में आग की तरह फैल गई। आपको बता दें कि ये खबर सही नहीं है, जबकि खबर कुछ और ही है। दरअसल ये घटना महाराष्ट्र से औरंगाबाद से 30 किलोमीटर दूर रविवार रात को हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजा सिंह रविवार को एक आम सभा में भाग लेने के लिए औरंगाबाद गए थे। सभा की समाप्ति के बाद हैदराबाद को लौटते समय एक लॉरी ने राजा सिंह की कार को टक्कर मारने की कोशिश की थी, जबकि राजा सिंह के कार चालक की सतर्कता के कारण राजा सिंह इस दुर्घटना में बाल बाल बच गए। इसी क्रम में विधायक राजा सिंह की कार के पीछे से आ रही एक अन्य कार को उसी लॉरी ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना के बाद लॉरी चालक फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने लॉरी क्लीनर को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद राजा सिंह ने संदेह जताया है कि लॉरी चालक उन्हें जानबूझकर मारना चाहता था। उनकी गाड़ी को जानबूझकर टक्कर मारी जाने की कोशिश की जा रही थी, मगर कार चालक की होशियारी के चलते वह बाल बाल बच गए। पुलिस क्लीनर से पूछताछ कर रही है और इस मामले में कौन कौन जुड़ा है इस मामले में छानबीन कर रही है। भीड़ की सभा बहुत ही अच्छी सफल रही और हजारों की कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में आकर अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए सभी ने संकल्प लिया। और जैसे ही सभा समाप्त हुई, वहाँ से हैदराबाद की ओर हम और हमारे कार्यकर्ता वहाँ से निकले। बस 30 किलोमीटर दूर के बाद में एक बड़ा सा ट्रक एकदम गाड़ी के, यानी उसका प्लान था या अचानक वो हुआ पता नहीं, लेकिन हमें एक्सीडेंट करने जैसा उसका मूवमेंट था। तो हमारे बिल्कुल मेरे बाजू मेरे मित्र है वाहेगुरु जी, जो मेरी ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, तुरंत उसका मूवमेंट देखकर वो नीचे की ओर ले गए गाड़ी को। और सेम हमारी जैसी सफारी गाड़ी जो हमारे पीछे आ रही थी, उस गाड़ी को उसने एक्सीडेंट कर दिया और उसमें बहुत सारे लोग घायल हुए और उनको हॉस्पिटल भी ले जाया गया। ये षड्यंत्र था या एक या हादसा था, अभी ये कल पता चलेगा। और महाराष्ट्र